दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल एग करी, जो कि मैंने मेरी मम्मी से सीखी है। मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी मैं वो अपनी रेसिपी शेयर करूँ, जिससे कि आप सबको भी वो चीज़ पसंद आए। और आज स्पेशल है मेरा अंडे का एग करी। अंडे की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है शरीर के लिए, फुल ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसको खाने से सेहत भी अच्छी रहती है। और हम बनाएंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या है। चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे बन गया करी। आइए देखिए गाइस, इसमें मैंने अंडे उबालने रख दिए हैं। अब ये अंडे उबल जाएंगे थोड़ी देर में। इतने हमारे अंडे उबलते हैं, इतने हम मसाला तैयार कर लेते हैं। आइए अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये लेंगे प्याज। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज इतना हमने लिया है, ये 2 मीडियम प्याज मैंने लिया है। उसके बाद इसमें हम ये लेंगे अदरक, इसमें ये इतना अदरक और ये लहसुन। अब इसमें हम खड़े मसाले में डालेंगे ये 4-6 काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, 4 लौंग ये हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें चाहे तो हम दोस्तों हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए वो करेंगे। अभी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ पाउडर, सौंफ का पाउडर है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा हींग। हींग इसलिए क्योंकि ये डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा है और वैसे भी अच्छा है, थोड़ा सा हींग। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बंद करके पेस्ट बनाएंगे। देखिए गाइस, हमारा मसाला ऐसे हो चुका है, तो हमें ऐसा ही मसाला चाहिए अंडा बनाने के लिए। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम हमारे गैस बंद करेंगे और हमारे अंडों को ठंडा होने तक थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमारे अंडे ठंडे हो चुके हैं और अब हम इन्हें छील लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा अंडा कोई भी फूटा नहीं है और आराम से छील भी रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे हम अंडों को छील चुके हैं। ये अंडे हमारे छिले हुए, अब हम इन अंडों को थोड़ा सा तल के लेंगे। हम पूरा रेसिपी देसी घी में बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच भर के बड़ा देसी घी का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा वो डाल लेंगे। इसमें अंडे की ग्रेवी, अंडा करी जो होती है, उसमें सबसे बेहतरीन टेस्ट हमारे अंडे की सब्जी में देसी घी का ही आता है। इसलिए देसी घी का प्रयोग करते वक्त बिल्कुल भी ना सोचें। देसी घी खाने में अच्छा भी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं। अब हम इसमें एक एक करके अंडे को फ्राई करेंगे। इसको हम कंटिन्यूसली ऐसे हिलाते रहेंगे। ये देखिए, इसको अंडे को हमें कंटिन्यूसली हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसको अंडे को नहीं हिलाएंगे तो हमारा अंडा चिपक जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्राउनिश शेड आ चुका है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो हमारा हाई है। ये देखिए गाइस, बड़े ध्यान से सेकना है। इसमें ये अंडा फूलता भी है और फूल के छींटे भी ऐसे आते हैं कि हाथ जलने का डर है, तो जरा सावधानी के साथ इसको सेकना है और अब बिल्कुल सावधानी के साथ इसको बाहर निकालना है। ये देखिए गाइस, ये हमारा एक अंडा हो चुका है। अब हम इसमें एक की जगह दो अंडों को, दोनों तीनों को एक साथ डालने की कोशिश करें। देखिए गाइस, अब इसको हम ब्राउन होने तक सेकते हैं जैसे हमने पहले वाला सेका है।
ये देखिए दोस्तों, अब हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। लेकिन सावधानी से दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इसमें जलने का डर रहता है। तो इसलिए बड़े आराम से और बड़े सावधानी के साथ हमारे अपने अंडों को अच्छे से सेकें। ये देखिए दोस्तों, हमारे अंडे अभी सिक चुके हैं। अभी हम गैस थोड़ा सा फ्लेम कम करेंगे और अपने अंडों को बाहर निकालेंगे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा घी है, इसी घी में हमने जो ये मसाला बनाया है, आपको मैंने मसाला बताया कि कैसे कैसे बनाया, हम इसी घी में इस मसाले को भूनेंगे। तो हम ये मसाला डाल देते हैं। ध्यान से डालना है इसको, हमें इसको अच्छे से भूनना है। इसमें हम यहाँ पे शुरू में फ्लेम को हाई रखेंगे और कंटिन्यूअसली ऐसे चलाएंगे। देखिए दोस्तों, बराबर से ऐसे पकाते हैं हमें इसको। हमें जब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई में घी ना छोड़ दे और इसका एक कलर आ जाता है। भूनने के बाद मसाले की खुशबू से पता चल जाता है कि हमारा मसाला भून चुका है, और इसके कलर से भी पता चल जाता है कि हमारा मसाला भून चुका है। क्योंकि अगर हम मसाले को कच्चे को रखेंगे तो हमारी सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा, इसीलिए इसको कम से कम 10 मिनट तक हमें भूनना है। तो दोस्तों, अब हम नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हमें ध्यान है कि हमने मसाला पीसते वक्त नमक का प्रयोग नहीं किया था, तो इसलिए हम इसमें नमक का प्रयोग अब करेंगे। अपने स्वाद अनुसार नमक का प्रयोग कीजिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। जो देखेंगे हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है। हमारी पूरी सब्जी का टेस्ट हमारे इस मसाले के भूनने के टाइम पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए पूरा समय देते हुए इस मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। अब हमारा मसाला थोड़ा भून चुका है। अब जहाँ की हम जानते हैं इसमें हमने टमाटर का प्रयोग नहीं किया है और खट्टेपन के लिए हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो प्याज से हमारा मसाला मीठा मीठा सब्जी ना लगे, उसके लिए हम इसमें दही का प्रयोग करेंगे। इसमें मैंने एक छोटी बाटी ये दही ली है। इसको मैंने दही को मैंने पतला ही लिया है, ज्यादा गाढ़ी दही नहीं है, और ये मैं इस मसाले में प्रयोग करूंगी। इसको हिलाते रहना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो ये हमारी दही फट जाएगी, अगर हम मिलाते रहेंगे तो ये पक के मिक्स हो जाएगी। देखिए, अब हमारी सब्जी का कलर ऐसे आ चुका है, और जो हमने दही डाली थी वो भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देख सकते हैं आप, अब इसने थोड़ा थोड़ा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी इसे हम 5 मिनट और भूनेंगे। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हम ये देखिए, अब इसमें हम ये नीचे थोड़ा सा भी, अभी इसका पता कैसे चलता है कि नीचे थोड़ा सा लगने लग जाती है, मतलब कढ़ाई को थोड़ा सा चिपकने लगता है, तो ऐसे में समझ लेना चाहिए कि हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें पहले अंडे डालेंगे, फिर अंडों को इसमें मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पहले थोड़ा पानी डालेंगे। आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए, कितनी पतली चाहिए, उसके हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे।
अभी भी हमें ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, अभी भी थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें, क्योंकि ये क्या होता है रखने के बाद और ठंडे होने के बाद भी थोड़ी पक जाती है, गाढ़ी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इतना कंसिस्टेंसी के अंदर हम रख लेंगे इसका, इतना तो हमें रखना है, क्योंकि इसमें अगर जब एक दो उबाल आएंगे उसके उबाल आने के बाद भी ये गाढ़ी होगी। दोस्तों इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे, तक लेन थोड़ा इंतजार करते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी पककर तैयार हो चुकी है और इसकी अभी ये ऐसी कंसिस्टेंसी की है। अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाले का प्रयोग करेंगे। गरम मसाला हम ऊपर से इसलिए डालते हैं ताकि हमारे सब्जी में उसका फ्लेवर भी आए और उसकी खुशबू खाना पकाते वक्त उसकी खत्म ना हो, इसलिए हम लोग गरम मसाले का प्रयोग सबसे लास्ट में करेंगे। अब हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर, एग करी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद करेंगे और ये देखिए दोस्तों, देखिए क्या कलर है इसका, ये देखिए दोस्तों हमारी एक करी खाने के लिए तैयार है। दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन जरूर लिखकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।